Everyone, this is Pragya Saxena. Welcome to Reformer Institution, and today we are going to talk about the difference between 15th of August and 26th of January. And being a citizen of India, we should know about it. Okay, so let's begin the topic. 15th of August, जिसे हम लोग Independence Day के रूप में मनाते हैं, और हिंदी में हम इसे स्वतंत्रता दिवस या फिर स्वाधीनता दिवस के नाम से भी जानते हैं. 26th of January, जिसे हम लोग Republic Day बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं. 15th of August 1947 को क्या हुआ था, हमारे देश भारत देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी, और इसी उपलक्ष्य में इसी खुशी में हम लोग 15th of August को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे. ओके, तो ये हो गया लॉजिक. अब एक वर्ड होता है यहाँ पे, हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, है ना, क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड होता है फ्लैग होस्टिंग, ओके, और एक होता है यहाँ पे क्या, फ्लैग अनफर्लिंग. अब ये दो होते क्या है बेसिकली, मैं आपको बताती हूँ. तो फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है, जो हमारा भारत का फ्लैग होता है वो नीचे साइड टाई रहता है, बंधा रहता है, और फिर उसे रस्सी की हेल्प से ऊपर लेके जाया जाता है और फिर वहाँ पे फहराया जाता है. बट अनफर्लिंग में क्या होता है, जो तिरंगा होता है वो ऊपर ही बंधा रहता है और फिर उसे ऊपर ओपन किया जाता है और फिर वो फहराया जाता है, ठीक है. बट यहाँ पे 15th of August को कौन झंडा फहराता है, हमारे केंद्र के प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो झंडा फहराते हैं, ओके. और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या होता है, यहाँ पे भारत के प्रमुख यानी कि भारत के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो झंडा फहराते हैं, ओके. क्यों, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि भाई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है. तो बात ये है कि 15th of August 1947 को हमारे भारत का संविधान बनके रेडी नहीं हुआ था. और संविधान बनके कब रेडी हुआ था, तो 26th of November 1949 को हमारे भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26th of January 1950 में उसे इफेक्ट में ले आया गया था, ठीक है. तो ये रीज़न है. तो हमारे भारत का संविधान नहीं रेडी हुआ था, तो जो केंद्रीय के प्रमुख थे, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने झंडा लहराया था. और यहाँ पे जब 26th of January 1950 को हमारे भारत का संविधान बन के रेडी हो गया, लागू भी हो गया, तो भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो यहाँ पे झंडा लहराते हैं 26th of January को. अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे झंडा लहराया जाता है यहाँ पे राजपथ में, ठीक है, परेड निकलती है, ओके. और यहाँ पे रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर झंडा लहराया जाता है, ठीक है. इतनी बात हो जाती है. 26th of January को और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो पद्म जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आपके जो अदर कंट्रीज़ होती हैं, हम वहाँ से अतिथि मेहमान वगैरह को बुलाते हैं, ठीक है. और भी जो अदर अदर स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, वो झांकी वगैरह प्रस्तुत करते हैं, प्लस अपनी जो नेवी आर्मी वगैरह है वो भी अपने कर्तव्यों को दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से बताना अपने पावर को कि भाई हाँ, वी आर इंडियंस एंड वी हैव ऑल दीज थिंग्स, ओके. तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, 26th of January को, बट 15th of August को ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अच्छा, तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि 15th of August ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, ओके, 2022 वाला. तो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कौन से नंबर का, इंडिपेंडेंस डे. वी ऑल नो 75th इंडिपेंडेंस डे है ये, ओके. और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने या फिर जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे मिशन टाइप के चलाए हुए हैं, जैसे हर घर तिरंगा, ओके, यानी कि हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा. और देखिए, एक कोड होता है फ्लैग कोड, और उसमें बहुत सारे इस टाइम क्या किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं. और वो चेंजेस क्या है, पहले क्या होता था कि तिरंगे को आप सिर्फ सुबह से शाम तक यानी कि सनराइज से सनसेट के पहले पहले आपको तिरंगा लहराना पड़ता था, फहराना पड़ता था. बट अब ऐसा नहीं है, आप रात में भी फहरा सकते हैं. और यहाँ पे बोला गया है कि 13th, 14th और 15th अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, झंडा लहराएंगे. और हाँ, एक इंडिपेंडेंस वीक भी मनाया जा रहा है, और जो वो वीक है उसकी डेट है 11th to 17th अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, एज अ इंडिपेंडेंस वीक की तरह सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना. तो ये चीज़ें याद रखिएगा.
और थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको फ्लैग के बारे में बता देती हूँ। जो हमारे भारत का झंडा होता है उसमें 3 कलर्स होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो हमारा सैफ्रॉन होता है, और केशरिया जिसे बोलते हैं, तो वो हमारे हिंदुत्व का प्रतीक होता है, ठीक है। बीच में व्हाइट, अच्छा जो केशरिया होता है सैफ्रॉन, वो और भी सिंबल होता है, जैसे सेक्रीफाइस और करेज का सिंबल होता है। बीच में जो होता है वो हमारा व्हाइट यानी कि पीस वगैरह और जो ट्रूथनेस है उसका सिंबल होता है, ठीक है। और नीचे जो होता है वो ग्रीन होता है ना, वो कहते हैं कि इस्लाम का प्रतीक है। और देखिए मैं रिलीजन को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनकी अपना लैंग्वेज है, टोन है, प्लस कलर है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो इतने सारे रिलीजन भी अलग हैं। तो मतलब ये वो लग गया है कि हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, बट हमारे जो इंडिया का है, जो हमारे मन में जो उनके लिए श्रद्धा है, वो एक है ना, तिरंगा, और हम सभी को उसका रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, और हाँ अगर मैं बताऊँ, हाँ एक और छोटी सी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि देखिए हर घर तिरंगा मीन्स बहुत सारे फ्लैग होस्टिंग होने वाले हैं इस बार, है ना। सभी लोग अपने अपने घर में तिरंगे को लहरा सकते हैं, बट हाँ इट्स नॉट अलाउड कि आप एक बंद रूप में तिरंगे को फहराएं। तिरंगा हमेशा एक ओपन प्लेस में फहराना चाहिए, और तिरंगे पर आप कुछ भी ओवरराइट नहीं कर सकते हैं, ओके। ये अलाउड नहीं है, ये फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हाँ आप जो ड्रेसअप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्लैग वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो फ्लैग में अगर कोई ड्रेस आप टी शर्ट, जैसे इंडिया के जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है, क्रिकेट वगैरह जो प्लेयर्स होते हैं, तो वो ऑनली टी शर्ट्स में उसका सिंबल बना होता है इंडिया का, ठीक है। आप जो आपकी जो कमर होती है उसके नीचे आप कुछ भी ऐसा फ्लैग का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। प्लस हाँ बहुत सारे फ्लैग्स होस्टिंग होने वाले हैं, अगर आप उनको संभाल के नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ मत फहराएं, है ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप देखते हैं कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है हमारा इंडियन फ्लैग, तो प्लीज़ उसे उठाएं उसी वक्त, और उसे सम्मान अपने साथ ले जाएं और उसे रखें भी, ठीक है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, ओके। भले ही आप किसी भी रिलीजन के हों, बट वी ऑल आर इंडियंस, है ना। सो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ जब सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड लाइक द वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स पड़े हुए हैं, प्लस हम लोगों ने यूपीएससी का भी बहुत सारा मटेरियल है वहाँ पे, डेली न्यूज़ जो होती हैं वो भी हैं। तो प्लीज़ जस्ट फॉलो द पेज, ओके। थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।